हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और ये यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट सीरीज का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम Passwd कमांड का यूज सीखेंगे। Passwd कमांड का यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम यूजर्स के पासवर्ड को चेंज करने के लिए किया जाता है। जब कोई नॉन रूट यूजर Passwd कमांड को एग्जीक्यूट करता है, तब ये कमांड सबसे पहले उस यूजर के करंट पासवर्ड पूछता है और उसके बाद में नया पासवर्ड सेट करता है। जब कोई सुपर यूजर या रूट यूजर इस कमांड को एग्जीक्यूट करता है, तब यह कमांड उस यूजर के यानी सुपर यूजर के या रूट यूजर के करंट पासवर्ड नहीं पूछता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि नॉन रूट यूजर सिर्फ अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, यानी खुद के अकाउंट का वो पासवर्ड चेंज कर सकता है। किसी भी दूसरे यूजर अकाउंट का पासवर्ड नॉन रूट यूजर चेंज नहीं कर सकता है। सुपर यूजर या रूट यूजर किसी भी अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकता है। Passwd कमांड के थ्रू आप पासवर्ड वैलिडिटी पीरियड भी आप चेंज कर सकते हैं। Passwd कमांड का सिंटेक्स इस प्रकार रहेगा, सबसे पहले Passwd कमांड, उसके बाद ऑप्शंस जो भी आप यूज करना चाहते हैं, एज ए रिक्वायरमेंट, और उसके बाद यूजर नेम। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अजय नाम के एक यूजर का पासवर्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए कमांड होगा Passwd स्पेस हाइफन कैपिटल एस स्पेस अजय। तो वन बाय वन हम इन Passwd कमांड को समझ लेते हैं, वन बाय वन एग्जाम्पल देकर के इस कमांड को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जब आप Passwd कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसके साथ में अगर आपने किसी भी यूजर नेम यूजर अकाउंट का यूजर नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, तब ये कमांड जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है उस यूजर का पासवर्ड चेंज करेगा। यदि आप Passwd कमांड के साथ में कोई यूजर नेम स्पेसिफाई करते हैं, कोई यूजर नेम मेंशन करते हैं, तब ये कमांड उस यूजर का पासवर्ड चेंज करता है। यदि आप किसी भी यूजर नेम को मेंशन नहीं करते हैं या स्पेसिफाई नहीं करते हैं Passwd कमांड के साथ में, तब ये कमांड जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है उस यूजर का ये पासवर्ड चेंज करता है। यदि आप Passwd कमांड के साथ में कोई यूजर नेम स्पेसिफाई करते हैं, तब ये कमांड उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करता है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि Passwd कमांड के साथ में यूजर नेम केवल रूट यूजर ही मेंशन या स्पेसिफाई कर सकता है। नॉर्मल यूजर या नॉन रूट यूजर Passwd कमांड के साथ में यूजर नेम स्पेसिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल यूजर या नॉन रूट यूजर केवल खुद का ही पासवर्ड चेंज कर सकता है, दूसरे किसी भी अकाउंट का पासवर्ड वो चेंज नहीं कर सकता है या फिर पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकता है दूसरे किसी भी अकाउंट की। इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए। उसके बाद सबसे पहले मैं एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं, विजय, और इसका मैं पासवर्ड सेट करना चाहता हूं विजय अकाउंट का। तो Passwd विजय और इसका पासवर्ड सेट करता हूं 1। तो इसका पासवर्ड सेट हो चुका है। उसके बाद मैं विजय से लॉगिन करता हूं। अब मैं अगर मुझे विजय यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना होगा Passwd एंटर। तो देखिए अब ये
क्योंकि विजय एक नॉर्मल यूजर है इसलिए उसका ये करंट पासवर्ड पूछ रहा है, जबकि रूट यूजर से जब हमने विजय का पासवर्ड सेट किया था तब इसने उसका करंट पासवर्ड नहीं पूछा था, जबकि विजय यूजर से हम लॉगिन करके जब उसका पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तब ये अकाउंट तब ये कमांड उस यूजर का करंट पासवर्ड पूछ रहा है। करंट पासवर्ड एंटर करने के बाद में आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो मैं इसका पासवर्ड सेट कर देता हूं। तो इसका पासवर्ड सेट हो चुका है नया पासवर्ड। अब अगर मैं किसी दूसरे यूजर का पासवर्ड अगर चेंज करना चाहता हूं नॉर्मल यूजर के थ्रू, तो उसके लिए मुझे उस यूजर का नाम यूजर नेम पासवर्ड कमांड के साथ में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैं अजय यूजर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं, पासवर्ड अजय, तो देखिए यहां पे एक एरर मैसेज शो कर रहा है कि ओनली रूट यूजर कैन स्पेसिफाई ए यूजर नेम, यानी पासवर्ड कमांड के साथ में केवल रूट यूजर ही यूजर नेम स्पेसिफाई कर सकता है। रूट यूजर से लॉगिन करने के लिए वापस हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं su स्पेस हाइफन और यहां पे आपको रूट यूजर का पासवर्ड एंटर करना है। तो हमने किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं ये देख लिया है कि नॉर्मल यूजर के साथ में हम नॉर्मल यूजर जब हम लॉगिन है तब हम पासवर्ड कमांड के साथ में कोई भी यूजर नेम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। रूट यूजर के थ्रू अगर हम लॉगिन है या सुपर यूजर के थ्रू हम लॉगिन है तब हम पासवर्ड कमांड के साथ में कोई भी यूजर नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है कि किसी यूजर अकाउंट की पासवर्ड इंफॉर्मेशन या पासवर्ड स्टेटस कैसे चेक करते हैं, यानी पासवर्ड इंफॉर्मेशन को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको passwd कमांड के साथ में हाइपन कैपिटल s ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं माई सॉल्यूशंस यूजर अकाउंट की पासवर्ड इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना होगा passwd स्पेस हाइपन कैपिटल s स्पेस माई सॉल्यूशंस। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस प्रकार आएगा। यहां पर मैंने एक स्नैपशॉट लिया है, पावर पॉइंट में मैंने एड कर रखा है, तो स्नैपशॉट को पे उससे ये जो पासवर्ड इंफॉर्मेशन शो हो रही है उसके सभी फील्ड को हम समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आ रहा माई सॉल्यूशंस, तो माई सॉल्यूशंस उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम है। उसके बाद सेकंड फील्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है पासवर्ड स्टेटस को। अभी यहां पर डिस्प्ले हो रहा है पीएस, पीएस मतलब पासवर्ड सेट, यानी उस यूजर अकाउंट में पासवर्ड सेट है। अगर वहां पे पीएस की जगह एलके डिस्प्ले होता तो उसका मतलब है कि उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड लॉक्ड है। पासवर्ड लॉक्ड है इसका मतलब वो यूजर अकाउंट लॉग इन नहीं कर सकता। उसके बाद एलके के जगह एनपी अगर डिस्प्ले हो रहा हो तो उसका मतलब होता है नो पासवर्ड, यानी उस यूजर अकाउंट पर पासवर्ड सेट नहीं है। थर्ड फील्ड है जो डेट्स हो रहा वो रिप्रेजेंट करता है कि उस यूजर अकाउंट का लास्ट टाइम पासवर्ड कब चेंज हुआ था, वो ये डेट शो करेगा। जिस डेट को लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज हुआ है उस डेट को ये शो करेगा। उसके बाद जीरो ये डिस्प्ले करता है, फोर्थ फील्ड ये डिस्प्ले करता है मिनिमम एज को, पासवर्ड मिनिमम एज। अगर यहां पर जीरो लिखा हुआ रहा है या जीरो डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि उस वो यूजर अकाउंट कभी भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अगर यहां पे टू यानी दो लिखा दो डिस्प्ले हो रहा है, अगर इसकी वैल्यू टू है तो इसका मतलब होता है कि वह यूजर अकाउंट दो दिन के बाद में ही अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। रूट यूजर उसका पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकता है, लेकिन वह यूजर अकाउंट खुद का पासवर्ड
दो दिन के बाद में ही चेंज कर सकता है, उससे पहले वो चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद फिफ्थ फील्ड है मैक्सिमम एज, यानी कितने दिन के लिए वो पासवर्ड वैलिड रहेगा। उसके बाद सिक्स्थ फील्ड है वार्निंग पीरियड, यानी जब आपका पासवर्ड, उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो रहा हो तो उससे 7 दिन पहले से उस यूजर अकाउंट को वार्निंग मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट 7 होता है। उसके बाद 7th फील्ड शोज इनएक्टिविटी पीरियड फॉर द पासवर्ड, ये शो करता है कि उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, यानी कितने दिन के बाद में एक्सपायर होगा। अगर यहाँ पे -1 आ रहा है, -1 डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब होता है कि उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। अगर यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो रहा है, उसकी वैल्यू अगर 10 डिस्प्ले हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड 10 दिन के बाद में एक्सपायर हो जाएगा। और जैसे यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर होगा, उसके बाद में वह यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे मैं passwd-s, अभी जो हमने यूजर अकाउंट क्रिएट किया था उसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे शो कर रहा है विजय, उसका यूजर नेम है ps, यानी पासवर्ड सेट। ये डेट कब चेंज हुआ था, जैसे आज डेट है 13 नवंबर 2016, आज ही हमने इसका पासवर्ड चेंज किया था, तो यहाँ पे आज की डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है 0, यानी कभी भी इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और ये वैल्यू शो कर रही है कितने दिन के लिए इस यूजर का पासवर्ड वैलिड रहेगा। 7 वार्निंग पीरियड, -1 इनएक्टिविटी पीरियड, कि कितने दिन के बाद में इस यूजर का पासवर्ड एक्सपायर होगा। एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, यूजर एड टोनू। अब उसकी इंफॉर्मेशन हम चेक करते हैं। तो यहां पे देख लीजिए एलके आ रहा है, ठीक है। एलके का मतलब लॉक्ड पासवर्ड है, ठीक है। अब मैं इसका पासवर्ड एक्सपायर रिमूव कर देता हूं। तो किसी भी यूजर अकाउंट का अगर आपका पासवर्ड रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको passwd कमांड के साथ में -d ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे मुझे विजय यूजर अकाउंट का पासवर्ड रिमूव करना है, d, उसके बाद विजय, ठीक है। तो विजय यूजर अकाउंट का पासवर्ड रिमूव हो चुका है। अब वापस विजय यूजर अकाउंट की पासवर्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। passwd स्पेस -s विजय, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है np। np मतलब उस यूजर अकाउंट पर पासवर्ड सेट नहीं है, नो पासवर्ड, ठीक है। lk हो रहा मतलब उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड लॉक्ड है। विजय ps हो रहा है, इसका मतलब उस यूजर अकाउंट पे पासवर्ड सेट है। तो किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड कैसे रिमूव करते हैं, ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद में सेट पासवर्ड एक्सपायरी इमीडिएटली, यानी किसी यूजर का अकाउंट का पासवर्ड अगर आपको इमीडिएटली एक्सपायर करना है तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको passwd कमांड के साथ में -e ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो जैसे किसी यूजर अकाउंट की डिटेल आपको चेक करनी है, तो उसके लिए कमांड यूज होता है chase-l विजय। chase-l कमांड है, chase कमांड है, उसके साथ -l ऑप्शंस हम यूज करेंगे, और विजय यूजर अकाउंट का नेम, यूजर नेम। तो यहाँ पे इसको बता रहा पासवर्ड एक्सपायर नेवर, यानी कि यहाँ पे कोई डेट शो नहीं हो रही है कि किस डेट को ये पासवर्ड एक्सपायर होगा, ठीक है। अब मुझे इसको इमीडिएटली एक्सपायर करना है इसका पासवर्ड। तो पहले इसका यूजर अकाउंट का पासवर्ड हम सेट कर देते हैं passwd-vijay, इसका नया पासवर्ड हम सेट करते हैं
तो इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है, अब इससे लॉगिन करते हैं। जब आप रूट यूजर के से नॉर्मल यूजर रूट यूजर से लॉगिन है और उसके बाद आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हैं, तब ये उस नॉर्मल यूजर का पासवर्ड नहीं पूछता है। तो सबसे पहले हम दूसरे यूजर से लॉगिन दूसरे नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हैं su-mysolutions। अब हम विजय से लॉगिन करते हैं su-vj। तो ये उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड पूछ रहा है। तो विजय से हमने लॉगिन कर लिया है, तो यहां पर पासवर्ड भी वर्किंग है यानी पासवर्ड काम कर रहा है, पासवर्ड अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। su-hyphen वापिस फिर से आप रूट यूजर से लॉगिन कीजिए। जब भी आपको रूट यूजर से लॉगिन करना हो तब आपको su कमांड के साथ में रूट यूजर का यूजर नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर su-hyphen कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तब ये डायरेक्टली रूट यूजर से ही लॉगिन करेगा बाय डिफॉल्ट। अब मैं उस यूजर अकाउंट का विजय यूजर अकाउंट का पासवर्ड इमीडिएटली एक्सपायर करना चाहता हूं, तो उसके लिए कमांड होगा passwd-e-vijay एक्सपायरिंग पासवर्ड फॉर यूजर विजय, यानी विजय यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है। अब मैं इसे लॉगिन करता हूं सबसे पहले माई सॉल्यूशंस, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली यूजर अकाउंट के थ्रू रूट यूजर से विजय से लॉगिन करेंगे, रूट यूजर के थ्रू विजय यूजर अकाउंट से लॉगिन करेंगे तभी उसका पासवर्ड नहीं पूछेगा। देखिए अभी हमने माई सॉल्यूशंस लॉगिन किया तब इसने पास माई सॉल्यूशंस यूजर अकाउंट का पासवर्ड नहीं पूछा। अब हम विजय यूजर से लॉगिन करते हैं, तो पासवर्ड पूछ रहा है sumer तो अब ये क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। ठीक है, तो जैसे आप अगर पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है किसी यूजर का अकाउंट का, तो उस यूजर को ये कमांड पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछेगा। तो पहले करंट पासवर्ड उसके बाद नया पासवर्ड, ठीक है। तो अगर आप किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड आपको इमीडिएटली एक्सपायर करना है तब आपको passwd कमांड के साथ में हाइफन ई ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, और जैसे पासवर्ड और ये कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वह यूजर लॉगिन करेगा तब ये कमांड लॉगिन करेगा तब उस यूजर को फोर्सफुली उसका पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। यानी अगर वो पासवर्ड चेंज नहीं करेगा तो वो यूजर अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड इमीडिएटली एक्सपायर कर सकते हैं। उसके बाद किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड अगर आपको लॉक करना है तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको passwd कमांड के साथ में हाइफन एल ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। सॉरी, अभी हम नॉर्मल यूजर से लॉगिन है और नॉर्मल यूजर किसी भी यूजर अकाउंट की पासवर्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले रूट यूजर से लॉगिन कीजिए। तो अभी इस पे पासवर्ड सेट है, अब मुझे विजय यूजर अकाउंट का पासवर्ड लॉक्ड करना है, तो कैसे करते हैं, passwd-l-vijay तो इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड हमने लॉक कर दिया है। अब चेक कर लीजिए,
तो देख लीजिए यहाँ पहले PS डिस्प्ले हो रहा था, अब यहाँ पे LKS हो रहा है। LKS मतलब उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड लॉक हो चुका है। जब भी आप Passwd स्पेस आइपन एल स्पेस यूजर नेम ये कमांड आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कमांड क्या करता है, स्लैश etc शैडो फाइल में उसका जो पासवर्ड है, ये यूजर अकाउंट का पासवर्ड, तो इस पासवर्ड के आगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल ऐड कर देता है, ठीक है। तो उस वजह से उस यूजर का पासवर्ड लॉक हो जाता है। जैसे मुझे, मैं अजय माई सॉल्यूशंस यूजर अकाउंट की पासवर्ड इंफॉर्मेशन चेक करता हूं जो etc/etc शैडो फाइल में स्टोर होती है, तो देखिए यहां पर कोई भी एक्सक्लेमेटरी सिंबल ऐड नहीं है। जबकि यहां पर एक्सक्लेमेटरी सिंबल यहां पर ऐड है, ठीक है। तो जब भी आप पासवर्ड कमांड के साथ में हाइफन एल ऑप्शन यूज करेंगे, जब भी आपकी यूजर अकाउंट का पासवर्ड लॉक करेंगे, तब ये कमांड /etc/shadow फाइल में जहां पर यूजर अकाउंट का पासवर्ड स्टोर होता है उस पासवर्ड के आगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल ऐड कर देता है, जिससे वो पासवर्ड लॉक हो जाता है। अब मैं उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड अगर मुझे अनलॉक करना है, तो उसके लिए मुझे passwd कमांड के साथ में हाइफन यू ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो passwd-u विजिए, तो देखिए उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड अनलॉक हो गया है। अब वापिस फिर से passwd-s विजिए, तो देखिए यहाँ पे PS डिस्प्ले हो रहा है, जबकि यहाँ पर जब लॉक किया था हमने तब LKS हो रहा था। और /etc/shadow फाइल की एंट्री भी हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल ऐड था वो यहां पर रिमूव हो गया है। जब आप अनलॉक करेंगे किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड, तब ये कमांड उस यूजर के पासवर्ड आगे जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल ऐड हुआ था उसको ये रिमूव कर देता है, जिससे उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड अनलॉक हो जाता है। जब भी लॉक होता है तब एक्सक्लेमेटरी सिंबल ऐड हो जाता है, जब अनलॉक होता है तब एक्सक्लेमेटरी सिंबल रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग इनएक्टिव डेज फॉर ए यूजर अकाउंट, यानी अगर आपको किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड के इनएक्टिव डेज सेट करने हैं कि इतने दिन के बाद में उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको यूजर अकाउंट passwd कमांड के साथ में हाइफन आई ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे इसका अभी इनएक्टिव डेज आ रहा है -1 का मतलब उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। अब मैं इस यूजर का पासवर्ड इनएक्टिव डेज सेट कर देता हूं आई ऑप्शन, उसके बाद 10, और उसके बाद उस यूजर अकाउंट का यूजर नेम। तो देखिए इनएक्टिव डेज सेट हो गए हैं, वापिस वो कमांड एग्जीक्यूट कीजिए, तो देखिए यहां पर 10 डेज हो रहा है, यानी 10 दिन के बाद में इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी यूजर अकाउंट के लिए पासवर्ड इनएक्टिव डेज इनएक्टिविटी पीरियड आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद टू सेट मिनिमम पासवर्ड एज, यानी किसी यूजर अकाउंट के लिए आपको मिनिमम पासवर्ड एज सेट करना है, तो उसके लिए आपको passwd कमांड के साथ में हाइफन एन ऑप्शन यूज करना पड़ेगा।
जैसे अभी इसका मिनिमम पासवर्ड एज है जीरो, जीरो का मतलब उस यूजर अकाउंट का वही यूजर अकाउंट अपना पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकता है। तो इसका हम पासवर्ड मिनिमम पासवर्ड एज चेंज कर देते हैं टू। तो देख लीजिए अभी यहाँ पे टू सेट हो गया है, यानी वह यूजर अकाउंट दो दिन के बाद में ही अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, उससे पहले वह यूजर अकाउंट अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता है। अगर रूट यूजर चाहिए तो उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड वो चेंज कर सकता है, लेकिन नॉर्मल यूजर यानी वीजे यूजर अकाउंट अपना पासवर्ड दो दिन से पहले चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार आप मिनिमम पासवर्ड एज भी आप सेट कर सकते हैं किसी यूजर अकाउंट के लिए। अगर आपको मैक्सिमम पासवर्ड एज सेट करना है तो उसके लिए आपको पासवर्ड कमांड के साथ में हाइफन एक्स ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, पासवर्डी हाइफन कैपिटल एस वीजे। अभी इसका मैक्सिमम पासवर्ड एज है ये, अब मैं इसको चेंज कर देता हूं 20 दिन, तो पासवर्डी हाइफन एक्स 20 और विजय। तो देख लीजिए अब 20 दिन के लिए इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड वैलिड रहेगा और उसके बाद उसका पासवर्ड इनवैलिड हो जाएगा। पहले बाय डिफॉल्ट कितना होता है, ये वैल्यू होती है, और हमने उसको चेंज करके 20 कर दिया, यानी 20 डेज के लिए उस यूजर अकाउंट का पासवर्ड वैलिड रहेगा। अभी जो पासवर्ड है वो 20 दिन के लिए वैलिड रहेगा, यानी किसी भी यूजर अकाउंट का अगर आपको मैक्सिमम पासवर्ड सेट करना है तो उसके लिए आपको पासवर्ड कमांड के साथ में हाइफन एक्स ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अगर आपको वार्निंग डेज सेट करना है किसी यूजर अकाउंट के लिए तो उसके लिए आपको पासवर्ड कमांड के साथ में हाइफन डब्ल्यू ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अभी इसका वार्निंग डेज है, वार्निंग पीरियड है 7 डेज, हम इसको चेंज कर देते हैं पासवर्ड हाइफन डब्ल्यू और मैं इसको कर देता हूं 30। तो देख लीजिए यहां पर वार्निंग पीरियड हो गया 30, यानी 30 डेज से पहले ही उसको मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। पहले बाय डिफॉल्ट कितना होता है 7। तो इस प्रकार आप पासवर्ड कमांड का यूज कर सकते हैं। पासवर्ड कमांड के थ्रू आप पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।